एक चीज और आई है, झूला। ये हम यहीं पे रखेंगे। ये देखो, बैठ के दिखाती हूँ। भाई मिल गया अभिषेक को झूला, ऐसे ही झूलता रहना है उसने। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। हेलो गाइस, भाई तुम्हारा तैयार व्यार होके घूमने जा रहा है। किसके साथ? बस दोस्तों के साथ जा रहा हूँ भाई। कौन से दोस्त? एक आध दोस्त है मेरे भी कॉलेज के। मेरा तो नहीं है। मेरे भी नहीं है। तेरा भाई तो यहीं पर बैठा है ना आराम से, तो मैं ऐसा नहीं सोचा कि भाई को भी ले जाऊं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। जब मैं जाता हूं यही बोलता है ना। बिल्कुल नहीं सोचा ऐसे। क्यों भाई? अबे मेरा तो दोस्त बाहर देश से आया है, कभी महीने में एक बार जा रहा हूँ मैं, तू तो रोज जाता है। मेरा खा ले। क्या खा ले? प्रोटीन। प्रोटीन वाले बिस्कुट खा रहे। कराइयो टेस्ट, हम भी देखे कैसा होता है। उसमें भी तोड़ के दे रहा है। प्रोटीन कम हो जाएगा, मेरी बॉडी कम बनेगी। जो भी है, यहाँ पे देखो ओए, नए घर के टीवी आ गए। बस ये लगते ही शिफ्ट हो गए हम, ये लगते ही शिफ्ट हो रहे हैं। भाई साहब आपको पता है ये क्या है? इधर देख लिया भाई। ये क्या? इधर आओ जरा। नए घर के इतने सारे टीवी देख लिए भाई, ये तो बहुत बड़े हैं भाई। इतने बड़े तो मैंने देखे नहीं। ये मेरे रूम में तो, ऊपर वाले रूम में तो लगे ही नहीं। आपके लिए वो है ना सेकंड फ्लोर, फर्स्ट वाला ये है। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकंड फ्लोर के लिए? जी ये सेकंड फ्लोर के लिए। तो मैं सेकंड फ्लोर जा रहा हूँ मतलब? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो बोला कि सेकंड फ्लोर पे वो लगेगा। आपको एक काम बोला था। क्या? घर का सिर्फ एक काम। मेरे से काम वो, होते? वो भी नहीं हुआ। सही बात है। जिम की मशीन ने? अरे वो तो हो गया। हाँ वो तो कब से हो गया, कब से कह रहा हो गया। ये हमें पता था टीवी रह रहे हैं, तो हमने टीवी ऑर्डर करे हुए थे काफी दिनों से, तो वो आज आए हैं। अब जब जाएंगे हम घर पे, नए घर पे, तो लेके जाएंगे। और वो देखो इतना सारा सामान जो ये टेबल पे सजाया हुआ है, जो जो मेरे सामने आता रहता है कि ये सामान लेके जाना, लेके जाना है, वो मैं टेबल पे रख देती हूँ कि जिस दिन जाएंगे तो सारा इकट्ठा ले जाएंगे। और भाई सब जा रहे हैं जिम। लेट है यार, बैठा रीलें स्क्रॉल करी जा रहे। यस ये शिनचैन क्यों लेके बैठा हुआ है? क्या शिनचैन? शिनचैन। ओ शिनचैन क्यों लेके बैठा है? पीछे उसके शिनचैन के बैग भी है, बैग भी है स्कूल जाने के लिए। चल जा तू स्कूल। मैं शिनचैन हूँ, उम्र 5 साल। और साथ में ये पता नहीं कौन है। ये शिनचैन की बीवी। शिनचैन की बीवी ऐसे जानवर थोड़ी ना होगी। ये कौन है मेरे को नहीं पता। ऑनेस्टली टेडी डे पे गिफ्ट आया है ये, तो बस ऐसे लेके बैठा हुआ था। एक गिफ्ट मेरे पास भी है, ये देख इतने सारे टीवी। तू बता तूने कौन सा लेना है ये बता। मम्मी ये टीवी है? ये टीवी है? क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये इधर इधर ये बड़े बड़े डब्बे पड़े हैं। ये टीवी है? यस। इस पे लिखा है टीवी। ये टीवी है। क्या बात कर रहे हो? यस। तूने कौन सा लगवाना ये बता। मैं कोई भी लगवाऊ, मुझे लगता है कि 4 तो बड़े वाले हैं, तो एक तो मेरे रूम में लग जाएगा। yes. एक आपके रूम में लग जाएगा। yes. एक ड्राइंग रूम में लग जाएगा। हाँ. एक शायद वो बाहर वाला जो पिट वाला एरिया है वहां पे, या फिर जिम में, या फिर टॉप फ्लोर कहीं लग सकता है। जो छोटे वाला ही अब्बू के रूम में लगेगा। ये तुमने पहले डिसाइड, ये पहले डिसाइड कर लिया मैंने। मैंने अपना नहीं डिसाइड करा कहाँ लगेगा, कौन सा लगेगा, पर मैंने अब्बू के लिए डिसाइड कर लिया। अब्बू का ये छोटे वाला लगेगा टीवी, है ना? सही है ना? ये सही बोला ना तुम? ये भाइयों का मामला है। भाइयों का मामला है? अरे उसका वो छोटा है। हाँ। वो साइज में बड़ा है लेकिन इंसान छोटा है, उम्र में छोटा है, उसका कमरा भी छोटा है। इंसान नहीं छोटा रहा अब, इंसान बहुत बड़ा हो गया वो। अरे जितना बड़ा इंसान है हमारे लिए तो छोटा ही है। और अभी बताता हूँ इंसान हो गया। ओए ओए बड़े इंसान नाम तो फुक रही है। ज्यादा बड़ा हो गया तू? क्या हो गया भाई? ओ बड़े इंसान ज्यादा बड़ा हो गया तू? क्या हो गया? ज्यादा बड़ा इंसान हो गया भाई। शिनचैन से थोड़ी खेलता हूँ मैं आज भी।
उधर देखो भाई, उधर कैमरा डालो ना। मम्मी ओ मम्मी, मम्मी ओ मम्मी, मम्मी ओ मम्मी, मम्मी ओ मम्मी। शादी वाली फोटोग्राफी करो, खाना खा रही हूँ मैं। मम्मी ओ मम्मी, डैडी ओ डैडी जी, डैडी ओ डैडी, डैडी ओ डैडी, डैडी है रेडी फॉर वेयर, फॉर न्यू हाउस। नहीं घर जा रहे, नहीं घर को जा रहे, वो जो इतने सारे टीवी लिए हैं अब वो इंस्टॉल भी तो कराने हैं ना। फिर बस टीवी फिट, उसके बाद शिफ्ट, लेट्स गो। तुम्हारा वो भी करवाओ अपना कंप्यूटर। मेरा हो गया कंप्यूटर का भी, कंप्यूटर वाले भैया से भी बात हो गई। कंप्यूटर वाले भैया बोले कल तुम्हारा कंप्यूटर रेडी हो जाएगा, तो फिर कल हम जा रहे हैं, कल हम जाएंगे बस। कल वो हमारा कंप्यूटर लेकर नए घर पहुंचेंगे, वहां पर नया कंप्यूटर लगाएंगे, और फिर नया कंप्यूटर लगाते ही खत्म काम हो गया। डैडी ओ डैडी, डैडी जी ओ डैडी जी, डैडी जी मत बोला करो। क्यों? एंग्री यंग मैन बोला करो इनको। ओके, एंग्री यंग मैन। के तो हम पहुंच गए हैं अपने घर, और हमारे साथ साथ ये देखो ये गाड़ी भी आ गई है। अभी इसमें से निकलेंगे छह छह सात सात टीवी। कितने 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 बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े टीवी, हाथ में नहीं आएंगे पूरे। ये गाड़ी हमारे से पहले चली थी और हम पहले पहुंचे और गाड़ी वहां। अंकल ने गाड़ी चलाई ना, इसीलिए अंकल ने चलाई, हम चलाते तो हम इसके बाद आते। ओपी ड्राइवर। ये उतर गई वॉशिंग मशीन, वो पड़ी है फ्रिज, टीवी। अभी पहले से बड़ा था टीवी, पहले इन्होंने चढ़ाए हैं, अब ये उतारेंगे। वो देखो एक टीवी खड़ा, देखो पता चल रहा है। हाँ वो उसको ध्यान से उतरवाओ। फ्रिज की हाइट ऑलमोस्ट मैच कर ली हमने। इधर ही आ गया इधर ही। और इस घर में आते पहला काम कान्हा जी को भोग लगाना, उनका भोग का टाइम हो गया है, तो मैं लेके आई थी फ्रूट, पहले उनको भोग लगाते हैं, के बाद वो फ्रिज का डेमो वगैरह देंगे, तो फिर हम उसमें बिजी हो जाएंगे। भी नया पता क्या आया घर पे, ये देखो हमारी गार्डन चेयर्स, ये फर्स्ट फ्लोर पे लगेगी, ये चार चेयर और एक टेबल, ये हमारे फ्रंट लॉन में लगेगा। और एक चीज और आई है झूला, ये हम यहीं पे रखेंगे। ये देखो बैठ के दिखाती हूँ। ओ भाई वाओ, बस ये तो मिल गया अभिषेक को झूला, ऐसे ही झूलता रहना है उसने। जो इसके नीचे गद्दा लगना है ना वो अंदर है। लास्ट टाइम जब आए थे तो ये नहीं थी ना, एक ये चीज नहीं है, ये पूरी फिल्म लग गई। इतना बड़ा फ्रिज है, कितने लोग लगे हुए हैं फ्रिज सेट करने में। फाइनली ये हो गए टीवी, अभी इंस्टॉल करने आएंगे। और इधर और ये आ गई वॉशिंग मशीन। अभी हम ये देखो इतना सारा सामान जो लेके आए हैं, ये सारा अरेंज करना है। लेकिन पहुंचते पहुंचते भूख लग गई थी, तो मैंने अभी सामान मंगवाया खाने पीने का, तो पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद फिर ये सारा सामान अरेंज करेंगे। अब खिला दे, भूख बहुत लगी है। हाँ वो गया ना भी कुछ खाने को, सामान आ गया खाने को, खिलाओ यार बहुत भूख लगी है, 5 बज गए। वॉशिंग मशीन का डेमो देने आ गए हैं भैया, तो हम देखते हैं, भैया सिखा देना अच्छे से। तो यहाँ पे एक गंभीर समस्या, भैया के पास पाइप नहीं है और पाइप हो गई है छोटी, तो अब ये लग नहीं पाएगी, तो डेमो भी कैसे होगा। One eternity later. तो वॉशिंग मशीन वाले भैया तो चले गए, और भी हम वेट कर रहे थे कि फ्रिज का डेमो देने आएंगे, उन्होंने हमें बोला भी कि वो आ जाएंगे, लेकिन कोई आया नहीं। ये भूख लग रही थी तो इतना सारा सामान भी मंगवा लिया स्विगी से, और मलन साहब का तो यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा बेचारे, एक तो अपना बेड भी थोड़ा मिस कर रहे हैं, बच्चों को मिस कर रहे हैं, ऊपर से टीवी भी नहीं है यहाँ,
कैसा लग रहा आपको अकेले न्यूज़ सुन सुन के टाइम पास कर लेते हैं। मैं आपका देखो एंटरटेनमेंट चैनल मैं हूँ ना, मैं आपके मुंह पे कैमरा रख रही हूँ, आपको कह रही हूँ चलो कोई काम ही कर लो, जो सामान लेके आए आज वो वही लगा लेते हैं और क्या करेंगे, क्योंकि टाइम पास ही नहीं हो रहा है इनका। टाइम पास तो बेड पे लेट के टीवी देख के होता है हर टाइम, वो रशिया यूक्रेन या फिर मैच वैच। अब यहाँ पे तो टीवी नहीं है, आए तो हम टीवी इंस्टॉल करवाने थे, अब टीवी वालों ने भी हमें धोखा दे दिया। तो अभी इतने बड़े घर में हम अकेले सिर्फ दो प्राणी क्या करें, टाइम ही नहीं पास हो रहा। मैंने कहा चलो मॉल वॉल घूम आते हैं, लेकिन घूमने के नाम पे तो मलन साहब वैसे ही छड परे की जाना है घर ही वह आराम नाल। तो करोगे क्या आप? कुछ नहीं, खाओ पियो और सो जाओ, नींद भी नहीं आनी यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, पता भी नहीं लगना है जब सोए तो पता कहाँ गए। चलो फिर जो थोड़ा बहुत सामान रह गया वो तो कर ले हम, चलो चलो वही लगा लेते हैं फिर। अब टाइम तो पास करना है तो थोड़ा सा सामान और है हमारा, वो भी लगा लेते हैं। हम तो आए थे कि वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ रहना पड़ रहा है। तो हमने क्या मंगवाया है, टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, क्योंकि ब्रश तो चाहिए ना, नहाना भी है तो साबुन भी चाहिए, तो खाना पीना भी ये सारा इतना मंगवाया, और स्पेशल ये दूध मंगवाया, मलन साहब की चाय भी ज़रूरी है। सारा सामान जो है ये हम अपनी पेंट्री में लगा देते हैं, कम से कम उद्घाटन तो करें पेंट्री में सामान लगाने का। सामान पूरा है, आप सामान उठाओ वहाँ, हम इसको सजा लेते हैं ना। लो जी अब पेंट्री लग रही है, अरे जल्दी लगा, एक सेट करने में अगर दो दो घंटे लगेंगे तो हो गया। बस फिलहाल इतना ही मंगवाया हमने, नीचे का तो हमने सेट कर लिया, किचन में भी लगा लिया सामान। अब ऊपर आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ देखते हैं कि क्या करना है हमने। तो अब आ गए हम कान्हा जी के रूम में, कान्हा जी का बेड बिछा जी, कान्हा जी का बेड रेडी हो गया। अभी ये बेड पूरा रेडी नहीं हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे पूरे अभी नेट लगेगी। इश्क चेचना